दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मच्छी रखा गया है और इसे सुखाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसे सूखा मच्छी या शुटकी के नाम से जाना जाता है। सूखा मच्छी का टेस्ट सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट बंगाल में सबसे प्रसिद्ध है। और सूखा मच्छी इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि नॉर्मल मच्छी के दाम से ज़्यादा सूखा मच्छी का रेट सबसे ज़्यादा होता है। और इसे बनाने का कई सारा प्रक्रिया है। इसे फैक्ट्री में लाते हैं, गर्म करके बनाते हैं, कई सारे मच्छी के कई सारे वेरिएंट का शुटकी बनता है, मतलब सूखा मच्छी। सूखा मच्छी को शुटकी के नाम से जाना जाता है। इसे फैक्ट्री में बनाते हैं कुछ कुछ सूखा मच्छी, और कुछ ऐसे होते हैं जो इसे धूप में सेक कर भी बनाया जाता है, जो इस वीडियो में भी आप देख पाओगे। जी दोस्तों, अभी जो देख पा रहे हो, यहाँ पे जो धूप की वजह से सुखाया गया सूखा मच्छी है उसे बनाया जा रहा है। इससे कई सारे ऐसे सूखा मच्छी होते हैं जिनमें नमक लगा के सुखा दिया जाता है। ये सूखा मच्छी बनने में करीबन 10-15 दिन के टाइम लगता है। और कई सूखा मच्छी ऐसे भी होते हैं जिन्हें बनने में करीबन 6 महीने तक समय लग जाता है। मगर अभी जिस सूखा मच्छी को आप देख पा रहे हो, ये 15-20 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। और नॉर्मल मच्छी का रेट अगर किलो 500 जाता है, मगर सूखा मच्छी का, वही सूखा मच्छी का किलो 1,500 से 2,000 रुपये में बिकता है। मगर आप देख भी सकते हो, और सूखा मच्छी का टेस्ट नॉर्मल मच्छी से बेहद अलग होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सूखा मच्छी खाया है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जिस देख पा रहे हो, बहुत सारे तालाब है, और इसी तालाब से वो मच्छी पकड़ा जाता है और इसे सूखा मच्छी के लिए बनाने के लिए बेच दिया जाता है। दोस्तों, आज के इस एक्सप्लोरिंग वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानने या सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग